पिछले एक हफ्ते से इतना ज़्यादा परेशानी के बाद मुझे और मेरे दोस्त को एक रूम मिल गई थी। सो हमने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स करते हैं कहीं चल के। एंड दिल्ली में हमें कुछ ज़्यादा पता हो, मतलब पता तो है नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सो वन ऑफ आवर फ्रेंड सजेस्ट कि आप लोग प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय जाओ, वो अच्छी जगह है। सो बिना कुछ सोचे हम चले आए प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय। एंड ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी एरिया है क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट पास में ही है। एंड तब चल रही थी सेशन भी पार्लियामेंट की, मानसून सेशन। सो अगर आप संग्रहालय आने की सोच रहे हो तो अपने साथ ना एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके आई हो, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग होती है पहले। एंड उसके बाद आपको टिकट काउंटर मिल जाएगी जहाँ पे जाके, जो बेसिक टिकट है वो 50 रुपीज़ का है हमारे लिए। एंड आप कुछ आर्डन करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, कोई नहीं। मतलब आर्डन में क्या क्या है कि आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ सिग्नेचर का मौका मिल जाता है, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने की, और एक्स्ट्रा चार्जेस होती है इन सारे चीज़ों में, और एक ऑडियो गाइड की सिस्टम होती है। एंड लाइट शो के लिए अगर आपको टिकट चाहिए तो आप पहले से ही ले लेना, क्योंकि हम लोगों ने नहीं ली थी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, पता था कि हम लोग नहीं कर पाएंगे वो। सो यहाँ पे दो बिल्डिंग्स है, जैसे कि आप ये वाला आपको मैप भी मिल जाएगा, लेकिन हमें गार्ड भैया ने बोला कि पहले नई वाली बिल्डिंग में चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए है, क्योंकि हम 4 बजे वहाँ पर गए थे और 6 बजे म्यूज़ियम बंद हो जाती है। सो हमने सोचा कि चलो गार्ड भैया की बात मान के हम लोग आ गए नई वाली बिल्डिंग में। एंड दिस प्लेस इज़ मतलब अमेजिंग, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि वीडियो में मैं दिखा दूँगी जितना मतलब मैंने रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि मूड कुछ ऐसा खास नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँगी। सो अंदर आते ही ना पहले हमको दिखा एक अच्छा सा व्यू, जिसमें रखा हुआ था हमारी नेशनल एम्बलम, जो कि मैग्नेट की वजह से ना इसे फ्लोटिंग हो रहा था, तो हमने देखा है। और यहाँ पे हर लैंग्वेज में नमस्ते लिखा हुआ था, नमस्ते, हेलो, ग्रीटिंग की जो भी वर्ड्स होती है हर लैंग्वेज में। एंड सारे प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे अचीवमेंट्स वगैरह लगाया हुआ था, जैसे कि नेहरू जी से स्टार्ट करके मोदी जी तक, सारे प्राइम मिनिस्टर के नेम, फ़ोटोज़ को, कितने कितने ईयर तक उन्होंने मतलब प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला था, सारे चीज़ें के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन यहाँ पे एक गैलरी था जब हमने एंट्री की, तब वहाँ पे गांधी जी के बारे में बताया जा रहा था। एंड स्पेसिफिकली हमने जब गए वहाँ पे चंपारण आंदोलन से उन्होंने शुरू की थी। सो थोड़ी देर बैठ के हमने वहाँ पे लेक्चर सुनी, एंड उसके बाद याद आया कि यार टाइम कम है, चलो इसको तो हम स्पेक्ट्रम से ही कर लेंगे। एंड यहाँ पे एक टाइम मशीन है जिसकी टिकट भी आपको लेनी पड़ेगी बाहर से ही, एंड वो 20 या 30 मिनट की चलती है। एंड हमारे पास इतना टाइम था नहीं तो हमने उसको भी स्किप कर दिया, लेकिन मैंने एक सिग्नेचर करवाई खास करके मेरे नाना जी के लिए, लेकिन वो तो अभी यहाँ पे नहीं आ पाएंगे ना, तो इसीलिए मैंने करवा के ली थी उनको दिखाने के लिए बस। एंड अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे शास्त्री जी का ये वाला जो बना हुआ है ना आर्ट, मुझे बहुत पसंद आया। ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, कैसे LPG रिफॉर्म हुआ, कैसे पोखरण की टेस्ट हुई, तो कौन सी प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या अचीवमेंट थी, क्या क्या उनका जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स थे ना वो भी प्रिजर्व करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट कि अगर आप रिसर्च के पर्पज़ से आते हो ना, आपको बहुत सी चीज़ें मतलब ओरिजिनल प्रूफ में मिल जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हो सारी चीज़ें। ये तो उसकी मतलब लार्जर वर्जन है, ओरिजिनल भी नीचे रखा हुआ था, मैं फ़ोटो खींचने के लिए भूल गई थी, जैसे कि ये चरखा था और बहुत कुछ चीज़ें थी जो आप देख सकते हो जाके। सारे प्राइम मिनिस्टर के सर्टिफिकेट से स्टार्ट करके उस समय के न्यूज़ की आर्टिकल्स, उन्होंने कौन सी प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या लेटर लिखा था उनके सिग्नेचर के साथ, तो सारी चीज़ें मेंशन थी, जैसे कि देख सकते हो शास्त्री जी को किसी ने गिफ्ट दिया था, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर रखी हुई है। एंड ये था 1971 वार की कुछ चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन थी, आप आके पढ़ सकते हो सारी चीज़ें। हमें मतलब उतना देखा हमने, लेकिन सारी चीज़ें नहीं हो पाया क्योंकि एक अंकल थे जो वहाँ पे अपने बच्चे को दिखा रहे थे, तो उन्होंने सोचा छोड़ दो यहाँ पे क्यों भीड़ करना, चलो नेक्स्ट गैलरी में चलते हैं। तो इंदिरा जी के 1971 वाली पोखरण टेस्ट के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें थी। देन इमरजेंसी के बारे में बहुत सी चीज़ें थी जो आप देख सकते हो कि उस समय क्या क्या हो रहा था, क्या नहीं, एंड रेडियो में कैसे चीज़ें चल रही थी, ये उस समय की TV है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था हमें। बहुत सी चीज़ें मतलब पुराने चीज़ें देखने को मिल जाती है, एंटिक चीज़ें, TV, रेडियो उस टाइम की, एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे अगर आप रिसर्च या फिर किसी वीडियो वगैरह में काम करते हो, तो आपको तो बहुत सी चीज़ें बनाए बनाए मिल जाएगा, रिसर्च भी करनी नहीं पड़ेगी वहाँ पर। एंड काफ़ी बड़ी मतलब ये वाली बिल्डिंग है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखने के लिए है, मैंने सारी चीज़ें की छोटी छोटी ग्लिम्स ले रखी है जो आप
देख पाओगे पूरे वीडियो में। एंड ये वाला जीजे मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा कि अशोक का चक्र ऐसा है, कलरफुल दिख रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। मतलब जाइए एक बार जाके घूम के आना, अच्छा लगेगा ये वाला जगह। न्यू वाली बिल्डिंग ख़त्म करके हम आगे पुराने वाली बिल्डिंग में जा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट थी और हमको भाग भाग के सारी चीज़ें देखनी पड़ रही थी, क्योंकि गार्ड भैया ने बोला कि सारी चीज़ों की वीडियो आप बना नहीं सकते। फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हमने रिकॉर्डिंग कर ली ना, क्योंकि वहाँ पर गार्ड भैया थे नहीं। सो काफ़ी चीज़ें थी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पूरा था, मतलब कौन कौन उसके मेंबर्स थे, कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, क्या क्या, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर पढ़ने का मन करे तो आप बैठ के पढ़ भी सकते हो, अगर आपके पास टाइम हो तो। सो यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ ये हुई कि सारे लैंग्वेज कैसे लिखा हुआ था, कि ओडिया, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हमको लगा कि सिर्फ दिखाने के लिए रखा है, लेकिन जब हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसी लैंग्वेज में वही चीज़ें ओपन हो रही थी, तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड ये वाले में ना आपको मिनिएचर तो नहीं बोलूँगी, उन्होंने बोला कि सारी चीज़ें रियल है, तो जैसे कि इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी एंड नेहरू जी के ना सारे रूम्स, उनकी किताब, उनके खाने की जगह, सारी चीज़ें ऐसे रखा हुआ है, तो उसे आप देख सकते हो। और इस वाले बिल्डिंग में एक और चीज़ है जो कि तोसखाना बोलते हैं ना, हाँ आई थिंक तोसखाना ही बोलते हैं उसको, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को फॉरेन से जो भी गिफ्ट्स मिले हैं वो सारे रखे हुए हैं, वो जगह मुझे बहुत पसंद आया। सो आप वो जगह भी इंजॉय कर सकते हो अच्छे से।
ख़त्म नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जो हमने स्किप कर दी, मिस कर दी, देख नहीं पाए क्योंकि टाइम कम थी। मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे की टाइम थी एंड दो घंटे इज़ नॉट इनफ। सो जब बाहर आए ना तो ये ब्यूटीफुल सा मोर जा रहा था तो लोग उसके पीछे ही भाग रहे थे, तो मैंने भी कैमरा लेके उसके पीछे भागा कि थोड़ी सी उसकी फोटो खींचूँगी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि उनके पास नहीं जाना होता है क्योंकि वो आँखें नोच लेते हैं। तो यहीं तक था आज का सफ़र एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।